वेलकम डियर स्टूडेंट इन एसी स्टार्टर। आज हम वर्कशीट नंबर 8 करने जा रहे हैं। ये जो वर्कशीट 8 है ये साइंस की रहने वाली है, क्लास 6 की वर्कशीट रहेगी और 21 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट रहेगी। देखो आपका जो चैप्टर चल रहा है कॉम्पोनेंट ऑफ फूड, मतलब भोजन के अंदर जो आवश्यक तत्व होते हैं, उसमें आज हम बैलेंस डाइट और कुछ और चीजों को जानने जा रहे हैं। देखो बैलेंस डाइट क्या होती है, एक ऐसी डाइट जिसके अंदर सारे के सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं उसे बैलेंस डाइट कहते हैं। ठीक है, अगर हमें ग्रोथ करना है और अपनी बॉडी में, ठीक है, चाहते हैं किसी को कमी ना आए और हमारी हेल्थ जो है वो गुड रहे, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस डाइट खानी पड़ेगी। ठीक है, हमें ऐसी डाइट रखनी पड़ेगी जिसमें कोई पोषक तत्व ज्यादा भी ना हो, ठीक है, और कम भी ना हो, जैसे कि आप देख सकते लिखा हुआ है। ठीक है, समझ में आ गई, देखो ब्रीफ में समझाऊंगा और ताकि आपको जैसे क्लियर भी हो जाए और समझ भी आ जाए। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ठीक है, इसके बाद उनसे पहला क्वेश्चन पूछा गया कि आपको एक चार्ट बनाना है जो अपने लास्ट जो वीक है ना उसमें जो जो आपने खाया था। ठीक है, ये देखिए आप आंसर देख लीजिए, तो ये क्या क्या खाया गया था सारा इसका डिस्क्रिप्शन दे रखा है। यहाँ पर मॉर्निंग लिखा है मैंने, आफ्टरनून लिखा है, नाइट लिखा है। आप यहाँ पर ब्रेकफास्ट, यहाँ पर लंच और यहाँ पर डिनर भी ले सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से ये सारा सारी इन्फॉर्मेशन दे रखी है, जैसे संडे के दिन क्या खाया, सैटरडे वाले दिन, फ्राइडे दिन, फ्राइडे दिन, इस तरीके से है ना। जैसे मैंने टी लिखा है, आप यहाँ पे मिल्क ले सकते हैं, जो आपकी पसंद है वो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, यहाँ पे आप शो करके दिखा सकते हैं। तो उसके बाद उनसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि चेक वेदर ऑल द न्यूट्रिएंट्स अबाउट विच यू स्टडीड अर्लियर आर प्रेजेंट इन वन और द अदर फूड आइटम बीइंग ईटन बाय यू विद इन अ डे और सो। ये कह रहा है कि जो आपने न्यूट्रिएंट्स आपने पढ़ा था चैप्टर, तो आपने देखा था उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को चाहिए होते हैं, तो जो आपने भोजन खाया क्या उसके अंदर वो न्यूट्रिएंट्स थे। तो आप देख सकते हैं ये देखिए ब्रेड है, मिल्क है, मिल्क के अंदर सारी चीजें मिल जाती है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, है ना। तो इस तरीके से हाँ, तो जो हमने भोजन खाते थे उसमें सारे न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं। लेकिन आप देखिए थर्सडे वाले दिन छोले भटूरे हम खा रहे हैं, ठीक है, जंक फूड खा रहे हैं, तो बाकी नॉर्मली हम किसी दिन नहीं खा रहे, ठीक है। तो अब आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया तो इसका आंसर मैंने लिख दिया यस, ऑल द न्यूट्रिएंट्स वर प्रेजेंट इन अवर फूड, हमारे भोजन में जो है सारे न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे, ठीक है, एक्सेप्ट थर्सडे आफ्टरनून फूड, जो हमने थर्सडे वाले दिन जो है ना दोपहर का भोजन था उसमें हमने खाया, ठीक है, छोले भटूरे खाए थे, इस तरीके से सभी के बाद तो चलता ही है ना बच्चों। ठीक है, उसके बाद आपसे क्या पूछा गया फटाफट देख लेते हैं। देखो इससे बड़ा कुछ न्यूट्रिएंट्स ऐसे होते हैं जो ना गेट लोस इन द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग, मतलब उनके अंदर के जो न्यूट्रिएंट्स जो उनके तत्व है ना उनको धोने से या पकाने से वो खत्म हो जाते हैं। ठीक है, रिपीटेड वॉशिंग ऑफ राइस, जैसे आप चावल को वापस धोते रहो, पल्सेस को धोते रहोगे, तो इससे क्या उनके अंदर जो विटामिन है, जो मिनरल्स है ना, वो हट जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खराब हो जाएंगे, खराब नहीं मतलब निकल जाएंगे, बह जाएंगे। वॉशिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स आफ्टर पीलिंग देम ऑफ ऑल्सो रिजल्ट इन अ लॉस ऑफ सम विटामिन। अगर आपने कोई फ्रूट को छील के धो रहे हो ना तो उसके अंदर से भी कुछ विटामिन चले जाएंगे, बह जाएंगे, मिनरल्स भी बह जाएंगे। मैनी यूजफुल प्रोटीन, जो हमारी बॉडी के लिए जो प्रोटीन बहुत ज्यादा यूजफुल होता है, कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ मिनरल आर लॉस्ट इफ एक्सेस वाटर इज यूज्ड ड्यूरिंग कुकिंग एंड थ्रोन अवे। देखो अगर आप खाना पका रहे हो तो खाना पकाने में भी अगर आपने वो भी मात्रा में पानी यूज कर लिया ना तो उसके अंदर भी प्रोटीन और मिनरल्स निकल जाएंगे। तो ये बता रहा है कि आपको एडिकेट चीज आनी चाहिए। और देखिए खाना पकाना भी अच्छी कला है, मतलब बहुत मुश्किल कला है, मतलब जो आपकी मम्मी पापा, जो आपकी मदर खाना वगैरह बना रही है ना वो इतना आसान नहीं है, ठीक है, बहुत मेहनत लगती है। तो कदर करो, कभी मिर्च मसाला ज्यादा हो जाए ना तो नाराज मत होना। विटामिन सी गेट इजिली रिस्टोर्ड बाय हीट ड्यूरिंग कुकिंग। देखो विटामिन सी तो आराम से खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है, ठीक है, जैसे अगर हम उसको हीट कर दे, ठीक है, अगर हमने विटामिन सी जिसके अंदर है उसको अगर हमने कुक कर दिया, हीट कर दिया, तो उसमें से विटामिन सी आसानी से बाहर चला जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ठीक है, और उनसे क्या पूछा गया, इसने बोला कि आपको करेक्ट या इनकरेक्ट बताना है। ठीक है, तो इसने बोला कि अगर हम केवल चावल खाएंगे तो क्या हमें सारे न्यूट्रिशन मिल जाएंगे, तो क्रॉस रॉन्ग लगा दो, ये आंसर देख लीजिए। ठीक है, ठीक है, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। तो उसके बाद सेकंड क्या पूछा गया था, वन मस्ट इंक्लूड फ्रूट्स एंड रॉ वेजिटेबल्स इन डाइट। हमें अपने भोजन में फलों को और जो कच्ची सब्जी है उसको इंक्लूड करना चाहिए, जैसे खीरा हो गया ना, टमाटर हो गया, हमें तो इंक्लूड करना चाहिए, यस करना चाहिए। अब कौन सा विटामिन है जो इजिली रिस्टोर्ड हो जाता है हीट करने पर, विटामिन सी। देखा वर्कशीट कितनी ईजी थी, बस थोड़ा सा कुछ बच्चों को इसमें प्रॉब्लम हो रही होगी, इसलिए मैंने आपकी हेल्प के लिए वीडियो बना दिया ताकि आपको किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक बार मैं आपको दिखा देता हूँ कि आपको अपनी कॉपी पर क्या क्या नोट करना है। ठीक है, हो सके तो आप ये भी नोट करना, ये भी नोट करना, ठीक है, बाकी आपको और क्या क्या करना है ये देख लीजिए आप। ठीक है, ये तो आपकी क्वेश्चन है, ये आपको नोट करना है। ठीक है, एक ये है,
उसके बाद आपकी ये एक है, ठीक है। बाकी आपके आगे वर्कशीट के पेज लगे हो, आप देख लेना, ठीक है। आज के लिए इतना बहुत है, मुझे पूरी उम्मीद है आपको अच्छे से वीडियो समझ में आ गई होगी। बाकी कोई प्रॉब्लम हो तो जरूर बताना, ठीक है। और आज के लिए इतना बहुत है, वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट।